बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम सर, कैसे वालेकुम अस्सलाम हैं आप? होपफुली आप ठीक ठाक होंगे इंशाल्लाह। जी। अलहमदुल्ला जी, बिल्कुल खैरियत जी, आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है सर? बिल्कुल क्लियर अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप मेरे प्लेटफॉर्म पे आए और आपने मुझे अपना कीमती वक्त दिया। होपफुली कि आज का सेशन बहुत यूजफुल रहेगा और हम आपसे बहुत सारी कीमती पॉइंट्स लेंगे हेल्थ वाइज। आप को मैं बहुत देर से फॉलो करती हूँ, मैं जानती हूँ आपको। आप माशाल्लाह डॉक्टर शहजाद बसरा हैं आज मेरे साथ, प्रोफेसर ऑफ एग्रीकल्चर, अ मोटिवेशनल स्पीकर। मैं एज अ मोटिवेशनल स्पीकर आपको जानती थी बिकॉज मैं खुद भी थोड़ा हेल्थ वाइज लोगों को गाइड करती रहती हूँ, हेल्दी फूड पे, एक्टिव लाइफस्टाइल पे। और जब मैंने आपको जाना तो मुझे पता चला कि यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब सर। आप अपने थैंक इस पोस्ट के जरिए, अपने लाइव्स के जरिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आपने जितना प्रोडक्टिवली आपने यूज किया है, थैंक यू सो मच सर, हमें गाइड करने के लिए, न्यू जनरेशन को गाइड करने के लिए। गॉड ब्लेस यू ऑलवेज। आप एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, कालम निगार, मजाह निगार के साथ साथ एक योगी हैं और हेल्थ कोच के तौर पे आपने लोगों को फिट रहने के इतने जबरदस्त और आसान तरीके इंट्रोड्यूस करवाए हैं कि घर घर आपका मैसेज पहुंचता है। मैंने सर से टाइम लिया था कि आप मेरे प्लेटफॉर्म पे आए और मेरी ऑडियंस को थोड़ा सा टाइम दें, और थैंक यू सो मच सर। जी, कैसा लग रहा है सर आपको भाई, मेरे प्लेटफॉर्म पे आके? जी बहुत अच्छा लगा है। और मेरे लिए इसमें दो तीन चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग है। एक तो ये कि मैं इंस्टाग्राम का ज्यादा यूजर नहीं हूँ, बहुत जी बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं। बस ये इंस्टाग्राम का एक अकाउंट है, लेकिन कभी मैं कुछ ज्यादा यूज नहीं किया है। बहुत बड़ा ये अकाउंट है, बहुत बड़ा ये सोशल मीडिया है, बहुत बड़ी इसकी ऑडियंस है, और मैं एग्जैक्टली इसको बस नहीं टाइम दे पाया। दूसरा, फिर मैंने जब आपकी प्रोफाइल देखी ना, जब आपने मुझे इनवाइट किया उसके बाद देखा, फिर मैंने आपका काम देखा, तो माशाल्लाह इतना डाइवर्सिफाइड और पॉजिटिव थिंकिंग के साथ लोगों की खिदमत कर रही हैं, तो मेरे लिए ये बिल्कुल बड़ी बहुत अच्छी सेटिस्फेक्शन की बात है कि मैं आपके साथ आज लाइव हूँ, और कुछ ना कुछ मैं जो मुझे थोड़ा बहुत मैं करता हूँ वो मैं शेयर करूंगा इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच सर, आपने इतने अच्छे अल्फाज में मेरा इंट्रोडक्शन दिया, थैंक यू सो मच सर। हम सब आपको ऑलरेडी जानते हैं, मैं सिर्फ आसान अल्फाज में चाहती हूँ कि आप मुझे बताएं, हमारे कॉमन मैन को बताएं कि हेल्दी लाइफस्टाइल है क्या और हम उसे कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं आसान अल्फाज में और इजी टू एक्सेस चीजों के जरिए। कोई मतलब लोगों को लगता है कि जब हम हेल्दी लाइफस्टाइल कहते हैं तो उनके जेन में एक ऐसी एक्सपेंसिव डाइट और एक ऐसा मतलब एक चमक धमक वाला एक लाइफस्टाइल आता है जिसको एक कॉमन पर्सन अडॉप्ट नहीं कर सकता। तो आप बताएं कि सादी जिंदगी को रहते हुए हम हेल्दी लाइफस्टाइल कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं? थोड़े दिन पहले मैंने एक किसी जो अफ्रीकी था उसकी एक मैं देख रहा था, स्पीच देख रहा था, सुन रहा था, तो उसमें वो कह रहा था कि मेरा जो दादा था वो पैदल चला करता था जंगलों में, तो मेरा बाप जो था वो साइकिल पे आ गया, अच्छा फिर मैं गाड़ी पे आ गया हूँ, हो सकता है मेरा बेटा फरारी पे आए और उसका जो बेटा है ना वो फिर पैदल चलेगा। यही सफर है सारा, सर्कल ये है, सारा यही सफर, ये सारी यही सफर, साइकिल ऐसे ही ऐसे ही। यही साइकिल है। हम देखते हैं कि एक आम तौर पे हम क्या देखते हैं कि एक बंदा जो है ना वो सेहतमंद है और दूसरा बीमार है, जो डॉक्टर के पास पहुंच गया, हॉस्पिटल में पहुंच गया, दरमियान में कुछ ही नहीं है, कुछ है ही नहीं दरमियान में, कि बीमार होने से लेके डॉक्टर और हॉस्पिटल जाने से पहले तक कुछ भी नहीं है। यानी कि हम वी आर वेटिंग कि हमारे ऊपर बीमारी ऐसा हमला करे फिर हम हॉस्पिटल पहुंच जाए, हम कोई कोशिश भी नहीं कर रहे, कोई कोई एजुकेट ही नहीं कर रहा। मैं अपने इवन पीएचडी करने के बाद, कुछ 10-20 साल जॉब करने के बाद भी,
मुझे आ, 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 मेरी वाइफ जो है ना वो न्यूट्रिशनिस्ट थी, तो वो उनका जो कभी को डिस्कस करना, तो मैंने कहा अच्छा ठीक, मैं इग्नोर कर देना जी। तो मुझे पता है, मुझे बुनियादी तौर पे नहीं पता था कि पोटेशियम का क्या सोर्स है, मैग्नीशियम का क्या सोर्स है, प्रोटीन कितनी लेनी चाहिए, कार्ब्स में क्या प्रॉब्लम है। मैं ये बता रहा हूँ कि एक बंदा जो प्लांट साइंसेस में पीएचडी करके उसके बाद मैं चले सर प्रोफेसर भी हो गया, तो किसी सिस्टम में ये एजुकेशन आई ही नहीं हमारे यहाँ, किसी ने बताया ही नहीं कि आप अपना ख्याल कैसे रखना है और क्या चीज करनी। वो फिर जब मैं सारी बीमारियां वो भुगत ली मैंने, जो कि आमतौर पर हमारी सोसाइटी में गलत लाइफस्टाइल की वजह से होती हैं, तो उसको जब मैंने रियलाइज किया और फिर देखा कि नहीं भाई, अगर हम अपना ख्याल नहीं करेंगे ना, हम अवेयर नहीं होंगे, हम छोटी छोटी बातें नहीं सीखेंगे, हम अपने आप को नहीं बचा सकते। और जो 90% बीमारियां हैं वो सिर्फ और सिर्फ इग्नोरेंस की वजह से ही आती है। दो किस्म की फूड है। एक वो फूड है, किसी ने फॉर एग्जाम्पल बहुत खट्टी चीज खा ली, फौरन गला खराब हो गया, वो उसे कहना जी मैंने नहीं खाना, ठीक है। अच्छा, एक बंदा उसने खीरा खा लिया, उसका पेट खराब, किसी का वो कहेगा जी मैंने नहीं खाना, जिसका फौरन रिएक्शन आता है वो अवॉइड करता है। एक बंदा उसको पता लग गया कि उसको एलर्जी है, उसको अंडे से एलर्जी है, मूंगफली से एलर्जी है, किसी चीज से एलर्जी है, उसने फौरन वो छोड़ देनी, ओहो ये मैंने खाई तो ये मुझे फौरन रिएक्ट कर, क्योंकि फौरन रिएक्ट होता है। अच्छा, अब वो चीजें जो फौरन रिएक्ट नहीं कर रही, आहिस्ता 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 वो ज्यादा नुकसान दे, उनकी मतलब अब नोचते ही नहीं, वो मजे से खाए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, और फिर जब इतने आदी हो जाते हैं उसके, जो उसके बगैर हम कहते हैं कि इसके बगैर हमें मौत बेहतर है, हमने नहीं छोड़ना। ऐसे ही फिर इस स्टेज पे हम आ जाते हैं कि अकीदा छोड़ना आसान होता है, टेस्ट बड छोड़ना, उसको चेंज करना ज्यादा मुश्किल होता है। ऐसे ही सर। अब एक मैं गंदम की रोटी का आदी हूं ना, तो मुझे मैं कहता हूं बाकी मुझे सब दवाइयां दे सब, मैं गंदम की रोटी मैंने नहीं छोड़नी भाई। अब कीटो डाइट ये वो लोगों को बताते हैं ना, कोई एक दिन दो दिन हफ्ता दस दिन के बाद कहता है बस मेरी नहीं, क्योंकि हैबिट डेवलप हो गई। मैं गंदम की रोटी के खिलाफ नहीं हूँ, मैं कहता नहीं, उसकी बात एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अच्छा, ये जो बात लंबी हो गई, वो बात में ये करना चाह रहा था कि जो बुनियादी है ना, अब ये चीजें ऐसी हैं कि अगर किसी से पूछे ना कि आपने कभी ब्लड प्रेशर चेक करवाया, वो कहेगा मैंने सारी जिंदगी कभी ब्लड प्रेशर चेक नहीं करवाया। किसी से पूछे आपने कि लिपिड प्रोफाइल करवाई है, वो कहेगा जी आज कोई 10 साल पहले मैंने करवाई थी। किसी से पूछो ना कि आप हेल्दी लाइफस्टाइल का बेसिक अवेयरनेस ही नहीं है कि हमने किस पे चेक इन रखना है। हम चाहते हैं कि हम देखने में अगर ठीक ठाक चल रहे हैं तो बस गाड़ी चलती रहे, अंटिल अनलेस कि हम बिल्कुल कोलैप्स कर जाएं और फिर वो डाई वाली एक सिचुएशन आ जाती है कि आप बिल्कुल बेड रिडन हो गए हो और फिर पता चलता है कि आप तो इतनी सारी बीमारियों को पाल रहे थे। एग्जैक्टली, और वो आप उसको देख। अच्छा, एक बड़ा मुहावरा गोरे कहते हैं लिसन टू योर बॉडी, Yes. कि आप अपने बॉडी के अंदर जो छोटी छोटी चेंजेस आ रही है ना, अगर आपको सीढ़ियां चढ़ते थोड़ा सांस चढ़ रहा है, आपको कोई थोड़ी डिस्टर्बेंस एक फूड से हो रही है, किसी एक खास एनवायरमेंट से आपको, तो अगर आपकी बॉडी के अंदर छोटी छोटी चेंजेस भी आ रही है ना, तो उसको सुने तो सही ना वो क्यों आ रही है। Exactly. और दूसरा फिर सीखिए कि ये जो फूड है दुनिया में हमारे इर्द गिर्द जो लोग हैं, मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं किसी जगह जाता हूँ ना, तो यूथ बैठी होती है, मैं उन्हें कहता हूँ कि मुझे बताएं कि आप ज्यादा सेहतमंद है कि आपकी एज में आपके वालदेन ज्यादा सेहतमंद थे। सब कहते हैं हमारे वालदेन ज्यादा सेहतमंद थे। मैं कहूँ ओके, आपके जो वालदेन हैं उनमें से कितने लोगों को शुगर या ब्लड प्रेशर या जोड़ों का दर्द है? 80% कहते जी उनको है। अच्छा, मैं कहता हूँ उनकी कितनी एज है? कोई कहेगा 50 को 55 का कुछ। अच्छा, मैं कहूँ उनकी फूड आपसे बेहतर थी? वो कहते जी बेहतर थी। मैंने कहा अच्छा, इसका मतलब है कि जो बीमारियां उन्हें 50 साल की भी लगेगी लगी थी, आपको 40 पे लग जाएगी इंशाल्लाह ताला। मैंने कहा भाई उनकी फूड आपसे अच्छी, उनकी लिविंग आपसे अच्छी, वो आपकी एज में ज्यादा सेहतमंद है, फिर भी उन्हें 50 की एज में बीमारियां हो गई, तो आपको वो 40 पे होनी चाहिए, वो हो जाएंगी। अच्छा, आप देखें कि भाई उन्हें ये बीमारियां क्यों हुई है? दुनिया के बाकी खित्ते में ये बीमारियां नहीं है जो आपके ज्यादा ज्यादा हो रही है। दुनिया में हम जाते हैं तो वहां 80 साल के माई बाप, मैं करता हूँ ट्रैकिंग करता हूँ,
अस्सी अस्सी साल के लोग ट्रैकिंग का पहाड़ चढ़ रहे होते हैं, तो भाई 80 के बाद जाके वो सोचते हैं कि अब बुढ़ापा है। हमारे यहाँ 50 के बाद भी घुटने जो आप देखे हैं, और कोई बंदा सीढ़ियां भी नहीं चढ़ सकता, 50 के बाद लोग सीढ़ियां नहीं चढ़ सकते। सर मुझे लगता है कि हमारे पाकिस्तानी इंडियन, मेरे ख्याल से एशियंस में सबसे ज्यादा जो बीमारियां हम लोगों ने पाली है वो हम पाकिस्तानी इंडियंस हैं, और हमारी खुराक की वजह से 80% हमारी फूड का इसमें बेसिकली जो किरदार है ना वो है। और हम ये बिल्कुल भी इस चीज को वो कहते हैं ना कि सामने देखते हुए आंखें बंद की हुई है कि हमारी फूड की वजह से, हमारे खुराक के चुनाव की वजह से हमारी मेंटल हेल्थ कितनी मुतासर हो रही है। मतलब फिजिकल तो आप बीमार हो रहे हो, मेंटल हेल्थ आपकी अपने साथ साथ आपके माशरे में किरदार अदा करती है, आपके साथ आपकी सोशल लाइफ को खराब कर देती है। मींस मैं अगर मेंटली तौर पे सिक हूं तो मैं अपने साथ साथ आपको भी तंग करूंगी, अपने से जुड़े हुए रिश्तों को खराब करूंगी, ठीक है ना। तो हम इसीलिए तो हमारा माशरा मजीद बर्बादी की तरफ जाता जा रहा है। एंगर, जो हमारे एंगर के मसाइल हैं, हम लोग पेशेंस खत्म होता जा रहा है, और मेंटल इलनेस को अडॉप्ट पहले तो उसको एक्सेप्ट ही नहीं करते, फिर उसको ट्रीट नहीं करवाते, अपना लाइफस्टाइल नहीं चेंज करते, अपनी खुराक को नहीं देखते, ये सब बीमारियां हमारी नस्लों में आती जा रही हैं। और दूसरी चीज ये है कि गलत परहेज, फूड मिथ, ये बहुत ज्यादा है जी, इतने ज्यादा है। मसलन अब किसी को भी, मेरा है कि किसी बीमार से बीमार शख्स के में बात करूं, कहता जी मैं बहुत परहेज करता हूं। मैंने नहीं आज तक कोई बंदा सोचा, देखा मैंने कोई खातून, मैंने कोई ऐसा मुझे नहीं मिला जो ये कहे कि मैं परहेज नहीं करता जी। हर बंदा कहता जी मैं परहेज करता हूं। जब उनका मैं देखूं परहेज, तो मैं उन्हें कहता हूं जनाब आपका परहेज ही गलत है, आपका परहेज ही गलत है। अच्छा वो मैं मोटे मोटे बताता हूँ, परहेज क्या करना है जी, नमक कम खाना है। परहेज क्या करना है जी, थोड़ी सी चीनी कम कर लेनी, ये जहां कंफर्ट लेवल है। अच्छा परहेज क्या करना है जी, अंडे की सर्दी छोड़ देनी। परहेज क्या करना है जी, बड़ा गोश्त नहीं खाना, यानी बीफ नहीं खाना। परहेज क्या करना है जी, पाए नहीं खाए, बाकी सब कुछ खा रहे हैं। अच्छा परहेज क्या किया जी, देसी घी छोड़ दिया। ये जितने मैंने नाम लिया ना, इनमें स्वाय चीनी के सब खाए, ये कोई भी नहीं बांध। जो देसी घी नहीं खाता, जो गोश्त नहीं खाता, जो अंडे नहीं खाता, उसको सारियां बीमारियां लग रही हैं। सुन ले मेरी बात, हमारा जिस्म जो बना है ना, ये फैट से बना है, प्रोटीन से और फैट से। जो गोश्त है प्रोटीन है, जो मेम्ब्रेन्स है वो फैट है, और वो जो फैट है वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, और अनसैचुरेटेड फैटी सैचुरेटेड फैटी एसिड है वो कहां से आनी है, वो मलाई से आनी है, मक्खन से आनी है, चर्बी से आनी है, देसी घी से आनी है। और पिछले 30-40 साल से हमें लगाया हुआ है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड खाओ, कुकिंग ऑयल खाओ, वो कुकिंग ऑयल खा खा के जिस चीज के लेबल के ऊपर लिखा हुआ है सैचुरेटेड फैट, हम फेंक देते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसके अंदर कहीं ट्रांस फैट तो नहीं है, इसके अंदर सैचुरेटेड फैटी एसिड तो नहीं, इसके अंदर साल्ट तो नहीं ज्यादा, सोडियम तो नहीं ज्यादा, इसको फेंक दो। ये अच्छा ये कोलेस्ट्रॉल फ्री है, गुड। अच्छा ये इसके ऊपर ये पोली अनसैचुरेटेड फैटी है, भाई ये उठा लो। अच्छा उससे क्या, हमारी मेम्ब्रेन कमजोर हो गई, वो रेशियो चेंज हो गई, इम्यूनिटी खराब हो गई, यानी कि परहेज गलत हुए हैं। और वो अब जो कौम है, अच्छा गलत हुए हैं, अब ये ठीक किए भी कम से कम 15-20 साल हो गए हैं, साइंटिस्ट अब शोर मचा रहे हैं कि ये परहेज गलत थे, हमारे यहां भी मैसेज नहीं पहुंचा। हमारे टीवी पे मीडिया के ऊपर सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल टॉक्स हैं, 24-24 घंटे पॉलिटिकल टॉक है, उसके अंदर आधा घंटा सिर्फ लोगों को हेल्थ की बात बताना शुरू कर दें, लोगों को बताया ना सही क्या है। बिल्कुल ऐसे ही सर, और इंशाल्लाह मैं देख रही हूँ कि अभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए आप जैसे और बहुत सारे लोगों ने ये इनिशिएट लिया है, बहुत सारे डॉक्टर्स इस फील्ड में आए हैं कि वो लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि बेसिकली आपने अपनी मिथ्स को तोड़ना है और एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन एग्जैक्ट पर्सन से लेनी है, खुद से जो डॉक्टर बने हुए हैं। मुझे यहाँ याद आ रहा है मरहूम दिलदार परवेज भट्टी, बहुत बड़े मजानगार, सेंस ऑफ ह्यूमर उनकी कमाल थी। अच्छा भट्टी साहब ने अखबार में कॉलम लिखना शुरू कर दिया है, तो इंटेलेक्चुअल थे लेकिन चूंकि वो मजानगार थे, उनका स्टाइल उस वक्त था, तो भट्टी साहब कहते हैं कि जब से मैं कॉलम नगार बना हूं तो बेशुमार लोगों ने कॉलम लिखना शुरू कर दिया। अच्छा। वो कह रही कि अगर भट्टी कॉलम लिख सकते हैं तो रसी क्यों लिख सकते। अच्छा अब उसमें वो मुझे देख के ना सोशल मीडिया पे कि अगर ये बंदा एग्रीकल्चर का बंदा हेल्थ की बातें करता है, तो अब बेशुमार डॉक्टर्स भी डाइटिशियन भी अब लोग आ रहे हैं। अब मुझे बड़ी सेटिस्फेक्शन होती है कि मैं अकेला नहीं हूं,
देखिए ये मुझे जेलसी नहीं होती, मुझे सेटिस्फेक्शन होती है कि मेरी आवाज के साथ आवाज मिल रही है, लोग आ रहे हैं, लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं, कुछ भी दे रहे हैं, काम किया और उसको देखते हुए लोग फॉलो कर रहे हैं, यही तो प्रोडक्टिविटी है, यही तो एक अच्छा काम है जिसको सोशल मीडिया पे। जब मैंने ही काम स्टार्ट किया था तो मेरा एक मोटो था, मैं चाहती थी कि चूंकि मेरे बच्चे भी अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हैं तो जब वो सोशल मीडिया को खोलें तो ये नाच गाना और ये सारा चीजें खत्म होनी चाहिए, कुछ नॉलेज उनको मिलना चाहिए, चाहे वो हेल्थ का हो चाहे एजुकेशन का हो, किसी भी तरह से हमारे प्लेटफॉर्म से नॉलेज प्रोवाइड होना चाहिए और नॉलेज आगे स्प्रेड होना चाहिए। वो कोई भी आप चीज का नॉलेज दे सकते हो, बजाय हमने ये चेन तोड़नी है कि सिर्फ नाच गाना होगा तो ही लोग उसको देखेंगे सुनेंगे। इंशाल्लाह अच्छा काम होगा तो क्यों नहीं लोग देखेंगे, क्यों नहीं सुनेंगे। यहाँ बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, आपको कहा जा रहा है कि लोग आपको बहुत ज्यादा लाइक करते हैं, और जब मैंने ये फ्लायर अपने कुलीग्स के साथ शेयर किया था, अपने पर्सनल ग्रुप में शेयर किया था, तो अक्सर लोग ऑलरेडी आपको जानते थे, किसी के फादर आपके क्लास फेलो रहे हैं, कुछ लोग फैसलाबाद से थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि जिस बंदे को मैंने अपने प्लेटफॉर्म पे बुलाया है अल्हम्दुलिल्लाह वो इस कैपेबल है कि वो मजीद मेरे प्लेटफॉर्म से लोगों को मैसेज अच्छा जाएगा। सर आपने कहा कि खुराक लोगों को जिस तरह बीमारी की तरफ लेके जाती है, तो डेफिनेटली खुराक की तब्दीली से हम बीमारी को रिवर्स भी कर सकते हैं। मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी कि अपने डाइट से अपनी बीमारी को रिवर्स करें, आपने किया और आपने लोगों को बताया, किस तरह कैसे पॉसिबल है ये? मैंने पहले ये बात की कि टेस्ट बर्ड बनना बड़ा मुश्किल है। कहते हैं ना कि दुनिया की सबसे अच्छी कुक आपकी माँ है। अच्छा, वो इसलिए नहीं कि वो उसने को बड़े कोर्सेज किए हुए हैं और उसने बड़ी अच्छी कुकिंग सीखी हुई है, उसके हाथ में जायका बड़ा अच्छा है। आप उसने जो कुछ पकाया है आप वही खा खा के आपके टेस्ट बर्ड उसी के आदि हो गए हैं, बड़े हुए। अब सारी उम्र आप वो जो टेस्ट बर्ड आपके बने उससे अच्छी आपको फूड को नहीं लगने, ठीक है। अच्छा, उसको चेंज करना बड़ा मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है, लेकिन कुछ चीजें हम एडजस्ट कर सकते हैं। कैसे? अभी मैंने एक आपको बात की थी कि बस का क्या होता है कि आप एक चीज खाई है, आपका फौरन गला खराब हो गया, पेट खराब हो गया, एलर्जी हो गई, आप उसे अवॉइड करते हैं। हर बंदे को पता होता है जी, कोई कहेगा जी मैनू तेल नहीं सिखाते, कोई कहेगा जी मैनू नींबू नहीं सिखाता, कोई कहेगा मुझे ये नहीं सिखाता, यानी वो उसको एलर्जी करता है, उसको पता है। इसके अलावा वो उसे देखता। अच्छा, अब जब हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं तो उसमें देखते हैं कि जो बीमारियां ना जो बहुत ज्यादा हो रही हैं, डायबिटीज हो रही है, ब्लड प्रेशर हो रहा है, हार्ट की हो रही है, कोलेस्ट्रोल की हो रही है, यूरिक एसिड हो रहा है, किडनीज का प्रॉब्लम हो रहा है, लिवर का ये प्रॉब्लम हो रहे हैं, और ये इतने ज्यादा हो रहे हैं कि हर 10 में से 7-8 बंदों को ये प्रॉब्लम 40 या 50 के बाद जाके हो रहा है, और दिन ब दिन वो पहले उसकी हो रही है। तो उसकी क्या रीजन है? उसकी रीजन लीमू तो नहीं है, उसकी रीजन जो है ना गोश्त नहीं है, उसकी रीजन जो है ना वो पानी नहीं है, उसकी रीजन दूध नहीं है, उसकी क्या रीजन है? उसकी रीजन है कि हम अपनी एक्टिविटी से ज्यादा जब खाना खाते हैं वो उसकी रीजन है। हमारी एक्टिविटी थोड़ी है, हमारा खाना ज्यादा है। अच्छा, उस खाने में अगर हम ज्यादा चीज जो है ना वो ऐसी कर लें कि जो कैलोरीज ना दे तो फिर ठीक है। मसलन हम फ्रूट्स और सब्जियां अगर ज्यादा उसमें ऐड कर लें हमारे जिससे अपने पेट भरना है तो वो फिर इशू कोई नहीं है। लेकिन हम खा रहे हैं उसमें ज्यादा हम कार्ब्स खा रहे हैं, यानी रोटी चावल हम बहुत ज्यादा रेशो में खा रहे हैं। वो तब बहुत जरूरी थी, बड़ी आइडियल थी जब हम फिजिकल वर्क करते हैं। हम अगर बड़े बूढ़ों को देखते थे ना, वो खेतों में काम करते थे, नहीं भी खेतों में काम करते थे तो वो साइकिल इतना चलाते थे, तांगे पे बैठ के जाते थे, पैदल जाते थे, खवातीन घर में डंडे सोटे से वो कपड़े धोती थी, भैंसे पालती थी, पूरे पूरे घर झाड़ू और सारे काम, वो मुशक्कत, जिस्मानी मुशक्कत बहुत थी ना। अब जब जिस्मानी मुशक्कत ज्यादा होनी तो उन्हें एनर्जी भी चाहिए ना, तो उस एनर्जी के लिए हमारे वो फूड बनी हुई थी, एनर्जी के लिए बनी हुई थी। अब हुआ ये कि वो आहिस्ता आहिस्ता सहूलियात आ गई तो अब हम बड़े बैठ गए, हम कमरों में बैठ गए, टेम्परेचर हमने रेगुलेट कर लिए, ना हमें गर्मी में गर्मी लगती है ना सर्दी में सर्दी लगती है, हमारा कमरा जो उसका टेम्परेचर कंट्रोल्ड है,
ठीक है, हम अपनी बॉडी को एक्सपोज नहीं करने देते, हमारे पास मशीनें आ गई, सारी सहूलतें आ गई, कम्फर्ट जोन आ गया, गाड़ियां, हर चीज, वो सब कुछ आ गया, तो सब कुछ आ गया, तो अब हमारी फूड चेंज होनी चाहिए थी। वो हमारी फूड चेंज हुई लेकिन वो नेगेटिव में ज्यादा चेंज हुई, उसमें कैलरीज कम होनी चाहिए, कैलरीज और बढ़ गई। उसमें होना ये चाहिए था कि जो चीज हमारी जरूरत से ज्यादा कैलरी वो हम कम ले लें, लेकिन हमने किया गया कि जो आटा था उसको हमने रिफाइंड कर लिया, वो कैलरी ज्यादा हो गई, फाइबर निकाल दिया उसके अंदर, फिर हमारे अंदर जो दूध खालस था उसके अंदर हमने केमिकल डाल दिया, उसका बेड़ा गर्क कर दिया, फिर हमारा देसी घी था जो फिर भी हमारे जिस्म को चाहिए, उसकी जब कुकिंग ऑयल ले आए फिर उसको भी हम ट्रांसफैट में वो वनस्पति घी ले आए, फिर हम बैठ के रिफाइंड फूड बहुत आ गई। पहले तो कभी साल में एक दफा बरात शादी आती थी, कोई सालों बाद किसी की बर्थडे आती थी, अब हर रोज हर रोज सेलिब्रेशन है, हर रोज केक आ रहा है, हर रोज ड्रिंक्स आ रहे हैं, हर रोज डिलीवरी आ रही है, हर रोज रिफाइंड फूड आ रही, प्रोसेस फूड आ रही है, लोग अफोर्ड ज्यादा करते हैं, पहले लोग इतना अफोर्ड नहीं करते थे, अब फूड एक्सेस फ्रिज भरे पड़े हैं और ड्राई फूड बड़ी बड़ी फ्रोजन फूड बड़ी, अब वो काम करते नहीं खा ज्यादा रहे, उससे फिर वो ज्यादा हो गया, बीमारियां आ गई। तो भाई अब हम खाने से मना नहीं कर रहे आपको, आप खाएं, लेकिन जितना आप अपनी बॉडी से पहले पूछ रहे हैं कि क्या मैं डिजर्व करता हूँ, ये मैं फूड में डिजर्व करता हूँ, अपनी बॉडी को पूछ लिया करें कि अगर ये 100 कैलोरी है तो 100 कैलोरी फॉर एग्जांपल कि मैं एक फूड खाता हूँ 100 कैलोरी है, वो 100 कैलोरी जो है ना वो कम से कम 20-25 मिनट मेरी वॉक के बराबर है, तो क्या मैंने उतना चलना है, काम करना है, तो अगर 200 लेनी है तो डबल करना है, अगर 1000 लेनी तो इतना मैंने करना है, ये पूछ लिया करें अपने आप को, नहीं पूछना तो उससे थोड़ा सा एडजस्ट कर ले। तो मैं जो बताता, अच्छा एक और जो हमारा ये कि अब सारा कुछ आ गया, अब कहते हैं जी सब्जियां खाएं, तो हम सब्जियां पता क्या खाते हैं, भिंडी पक के खा ले, करेले पक के खा ले, बैंगन पक के खा ले, सालन पक गया, वो सालन सब्जी नहीं है, ये मैं आजकल मजाक में बात करता हूँ कि पंजाबी में ना सालन को कहते हैं लौण, लफज निकला उससे लगाने वाली चीज, कि रोटी लगा के खाने, खानी तो हमें रोटी खाई नहीं जाएगी उसको, खाई या स्टीम फ्राई खाई या आपने सलाद खाया, वो सब्जी है, वो सब्जियां आप ज्यादा करेंगे तब बात बनेगी। को रियलाइज होना शुरू हो गया है कि हमारी जो बीमारियां है ना, कि जब हम जरूर से ज्यादा ये एनर्जी ले रहे हैं उससे इंसुलिन रेजिस्टेंस आती है, और उसी से फिर ये डायबिटीज, उसी से फिर दिल की बीमारियां, ब्लड प्रेशर, आर्थराइटिस, ये गाउट, ये किडनी का मसला, ये फैटी लिवर, ये सारी आ रही है, और इन सब रीजन वो ज्यादा चीनी, ज्यादा मैदा और ओवर ईटिंग, इनको कम कर दे ये सारी। सर आप एक योगी भी हैं, एक जल्दी से मैं एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है, जब हम किसी से डिस्कस करते हैं कि एक्टिव रहा करें, अपना एक्टिव लाइफस्टाइल अडॉप्ट करें, खुसूसन खवातीन की अगर बात की जाए, तो बोलती हैं कि हम तो बहुत एक्टिव रहते हैं, सुबह 6 बजे से उठते हैं और रात तक काम ही नहीं खत्म होते, किचन में इतनी देर काम, खाना बनाना, कपड़े धोना, बर्तन धोना, और इतना सारा काम करते रहते, तो सारा दिन तो हम एक्टिव रहते हैं, क्या यही एक्टिव लाइफस्टाइल है? एक बात। दूसरी बात ये कि आप चूंकि योगी भी हैं, आप बताएं कि एक मिथ है कि जो शख्स मोटा है, जो शख्स ओबीज है, उसी ही सिर्फ उसको ये जरूरत है कि वो एक्सरसाइज करे, एक दुबले पतले इंसान को एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है, क्या कहते हैं आप इस बारे में? दो तीन चीजें इसमें आ गई, एक तो ये आ गया कि जो खवातीन ये समझती दिन काम कर रहा, कैलोरीज तो उसमें बर्न होती हैं, लेकिन पेट सबके निकले हुए हैं, घुटनी सबके खराब है, ठीक है, हेल्दी तो नहीं है वो, बीमारियां उनके साथ है, स्मार्ट तो नहीं है, जो खवातीन जिम जाती है ज्यादा स्मार्ट है, ठीक है, जिसका मतलब है कि आपके जिस्म के कुछ हिस्से जो एक्सरसाइज नहीं हो रही आपकी। अच्छा मर्द जो है ना वो कहते हैं कि जी जी बस ये नमाज पढ़ लेना जो है ना वो एक्सरसाइज है, तो भाई मस्जिद में जाके देखें 50 से ऊपर वाले आधे लोग जो कुर्सियां लेके बैठे बैठ के नमाज पढ़ रहे होते हैं, ये चीजें वो नहीं है, जो बॉडी की एक्सरसाइज है वो अपनी जरूरत है, ये सिर्फ काम कर लेना है, ये काम करना चाहिए, ये भी अपनी जगह जरूरी है, लेकिन बाकायदा जो एक्सरसाइज है बहुत जरूरी है। अब आप देखिए
क्या आपने अपनी बॉडी को क्या कर दिया। चल फिर आप फॉर एग्जाम्पल ये किसी का हाथ है जी, अब ये हाथ है एक बंदा, ये अंगूठे के एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये अंगूठा है, अब इसको कहें कि आप यहां लगाए तो बहुत थोड़े लोग लगा पाएंगे, ठीक है, बहुत थोड़े लगा पाएंगे, वो कहेंगे वो टूट जाना अंगूठा। अच्छा जिसकी प्रैक्टिस है वो लगा रहे, ठीक है। अच्छा अब ये पहले दिन को करेगा, अब यही हालत योगी की है, जब योगी को देखते हैं ना वो कहते हैं वो तो जी वो बसा रहे थे जो बिल्कुल जी वो सर्कल बना हुआ है जी, जो सारा है वो जमीन को लगाया हुआ है, ये इधर जब टांग उठा के कंधे पे रखी हुई है, हम तो नहीं कर सकते। तो मसला ये है कि आप बच्चे को देखें, बच्चा अपना छोटा बच्चा अपना अंगूठा चूस रहा होता है, पाओ का अंगूठा, यदि अल्लाह ताला ने बच्चे को ऐसा पैदा किया है, बाद में आप अपने जिस्म के बहुत सारे हिस्से हिलाए नहीं और वो आपकी स्ट्रेचिंग नहीं होती, आप एक जगह से आगे जा नहीं सकते। अब योगा क्या है कि आपके जिस्म का एक एक हिस्सा जो है ना उसको वो स्ट्रेच करता है, उसको खिंचाव देता है, वो जो खिंचाव है ना वो बेनिफिशियल है, ठीक है। अच्छा अब एक बंदे को खिंचाव मिला यहां पे, एक को मिला यहां पे, एक को यहां पे मिला, एक को यहां पे मिला, वो खिंचाव ही असल में बेनिफिशियल है, वो आपको फ्लेक्सिबल कर देगा। जैसे जैसे आप करते जाओगे आप अगली स्टेज पे जाते जाओ, अगली स्टेज पे जाते जाओगे, ऐसे जिंदगी खत्म हो जाएगी, लेकिन वो अगली स्टेज की गुंजाइश फिर भी रहती है। अभी योगा से लोग डरते हैं, कुछ लोग कहते हैं पता नहीं किसी मजहब के साथ इसका रिलेशन है या कुछ मुश्किल बड़ा है या कुछ है, तो मैं उसको सिंप्लीफाइड करके डिजीजेस के साथ मिला के, बॉडी के एंगल के साथ मिला के, छोटे छोटे सेशन करके वो मैं बताने की कोशिश करता हूँ कि ये आप हर बंदा घर में अपने कमरे में आसानी के साथ कर लेता है, और ये आप करेंगे जब हम किसी योगी को देखते हैं या किसी एक्सरसाइज इंस्ट्रक्टर को देखते हैं तो हम फौरन से कहते हैं कि ये मैं नहीं कर सकती, ये बंदा कर सकता है। क्यों? क्योंकि हमने स्मॉल स्मॉल स्टेप्स नहीं उठाए, हमने छोटे छोटे स्टेप उठा के उसको एडॉप्ट नहीं किया। आपकी वाली बात कि जब आपने बॉडी को आदत ही नहीं डाली तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी कैसे आएगी, क्योंकि आपने इतने साल उसको इतना स्टबल कर दिया है कि वो तो अब उसको इस सिचुएशन में आने के लिए टाइम चाहिए, और जितना आहिस्ता आहिस्ता आप स्टेप उठाओगे उतनी देर लगेगी आपको इस सब चीजों को छोड़ने में। आप जल्दी क्विट नहीं करोगे, आप देर तक ये लाइफस्टाइल को अडॉप्ट रखोगे, ऐसे ही है ना जी? ऐसे ही। और कभी कोई योगी आपने मोटा नहीं देखा होगा। हाँ जी ऐसे ही है, ऐसे ही है। हर बंदा हर एज में कर सकता। सर मुझे ये बताएं कि अगर जरूरी नहीं है कि आप खाली इंटेंस वर्कआउट से ही स्टार्ट करें, मेरा ख्याल है कि अगर आप 15 मिनट्स भी अपनी बॉडी को देते हैं, कि अगर आप ब्रिस्क वॉक से भी स्टार्ट करते हैं तो इट्स अ गुड स्टार्ट। आप कम से कम कोशिश तो शुरू करें, ठीक है। यहाँ मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूंगी, क्योंकि जैसे मेरी आपसे बात हुई थी कि इंशाल्लाह हम लोग विद इन हाफ एन आवर इसको खत्म करेंगे ताकि हमारा कुछ ये इंटरनेट का इशू ना आए। आप पाकिस्तान में आई थिंक मैंने जब मेरे आपसे पहले बात हुई थी तो मैंने आपको कहा था कि आप मोरिंगा के एम्बेसडर हैं, ठीक है। आपने पाकिस्तान में सुपर फूड को इंट्रोड्यूस करवाया जिसमें कैनवा है, मोरिंगा है, और मैं अक्सर आपकी वीडियो में देखती रहती हूँ कि मोरिंगा किस तरह से सुपर फूड है और वो इतना मैजिकल इफेक्ट वाकई रखता है। देखिये जब मैंने ये बहुत साल पहले जब मुझे ये लगा कि मैं बहुत सारी मुझे बीमारियां हैं और मेरे इर्द गिर्द लोगों में बीमारियां हैं, तो ये कैसे ठीक करनी है। जो रूटीन में मैं खाना खाता हूं तो शायद उसके अंदर मुझे सारे मिनरल्स और विटामिन्स के अलावा, देखिए एक आम न्यूट्रिशन सोचेगा वो उसकी सोच इसे आगे जाती नहीं, मिनरल्स विटामिन प्रोटीन फैट और कार्ब्स, बस बात खत्म हो जाती जी। उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है फाइटो एक्टिव कंपाउंड्स, फिनोलेक्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटी इंफ्लेमेटरी, ये ऐसे कंपाउंड है जो मेडिसिनल वैल्यू है जिनकी, जो जिसम के सोजिश खत्म करते हैं, तोड़ फोड़ खत्म करते हैं, वो मिरेकल है, वो हर फूड के अंदर होते हैं, किसी में ज्यादा किसी में कम। तो फिर मैंने देखा कि कुछ दुनिया में ऐसी चीजें हैं जिन्हें सुपर फूड्स कहा जाता है। मैं अमेरिका में गया, वहां देखा कि लोग कुछ फूड्स को ज्यादा प्रेफर करते हैं, वो कहते हैं इनके अंदर गजाइत ज्यादा है, ये सुपर फूड है, ये फंक्शनल फूड है। तो वो हमारे यहाँ भी कुछ है थी, कुछ मिसिंग थी। तो मैंने देखा कि अनाज में चीजें मिसिंग है, हर्ब्स में वो चीजें हमारी खत्म हो रही,
तो फिर मैंने उन्हें पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस, एज अ साइंटिस्ट मैंने इंट्रोड्यूस करवाया मुरिंगा, किनवा, चिया, एम्बरंथ, फॉक्सटेल मिलेट और बकवीट को, स्टीविया को, ये सारी चीजें मैंने इंट्रोड्यूस करवाई। अच्छा इंट्रोड्यूस करवाई तो फिर मैंने लोगों को बताना शुरू किया कि भाई ये खाएं, मैंने खुद खाई, अपनी फैमिली को खिलाई, इर्द गिर्द लोगों ने खाई, फिर उनके ऊपर रिसर्च की, लेके आए, उनका एक मेरिकल रिजल्ट देखे, वाकई मेरिकल रिजल्ट देखे। हमारी आम फूड में उतने मेडिसिन वैल्यू नहीं है जब ये खा के हुए, मुरिंगा किनवा ये स्पेशली, और अब चिया भी सामने आ गया, ठीक है, अभी कुछ अरसे बाद फॉक्सटेल मिलेट भी आ जाएगा, बकवीट भी आ जाएगा, एमरंथ भी आ जाएगा, वो भी इतने पोटेंशियल वाले ही है, लेकिन अभी उनमें रिसर्च में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो दूसरा फिर ये किया मैंने, एक जो चीज नेचुरली आती गई कि एक रिसर्चर, एक प्रोफेसर की ड्यूटी है कि 50 साल तक वो रिसर्च करे, पेपर पब्लिश करे, प्रोजेक्ट करे, एक आइडिया लेके आए जिससे सोसाइटी का एक प्रॉब्लम हल हो, और उसके बाद अगले 10 साल वो उस जो प्रॉब्लम उससे हल किया है रिसर्च का, उसको सोसाइटी में जाके इंप्लीमेंट करवाए, उस अपने स्टेक होल्डर्स की तरफ जाए और वहां जाके सक्सेस करे, और जब जब रिटायर हो तो फिर तब वो एक उसने पूरा एक सेटअप बना लिया हो कि उसको बजाय घर फारग बैठ के सिर्फ सब्जी दाल लाने के लिए या अखबार पढ़ने के बल नहीं, बल्कि वो उस सारे सेटअप को, सारे एक्सपीरियंस को लेके पूरी सोसाइटी में जाए, और यही मैं कर रहा हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह वो सक्सेस है, और उसके ऊपर मैंने कंपनी भी बनाई है, मेरी पूरी फैमिली उसमें इन्वॉल्व है, बेशुमार लोग काम कर रहे हैं और लोग उसे बेनिफिट ले रहे हैं। बिल्कुल, मैं व्हाट्सएप पे भी बात करूंगी इंशाल्लाह। यहाँ एक क्वेश्चन आया क्योंकि वो फिर कमेंट्स ऊपर चले जाते हैं, यहाँ लिखा हुआ है कि फैटी लीवर में मिल्क यूज कर सकते हैं या फैटी लीवर को हम फूड के जरिए किस तरह रिवर्स कर सकते हैं, तो आप कुछ पॉइंट अगर इसमें ऐड करना चाहो। उन्होंने तो लिखा है कि मिल्क और हनी क्या हम फैटी लीवर में यूज कर सकते हैं? फैटी लीवर में आपको सब कुछ खाना है सिवाय चीनी के, घी इतना हो के वो नजर ना आए सालन में, ठीक है, अच्छा, गोश्त भुना हुआ नहीं खाना, सब्जी के साथ जो गोश्त पका है वो आप खा सकते हो, दूध अच्छा। बिल्कुल पिए, दही बिल्कुल खाएं अगर खा ले, अगर केमिकल वाले तो ना पिए, उसे ब्लैक कॉफी पी ले, अगर देखें केमिकल वाला दूध है उसे बेहतर है ब्लैक कॉफी पी ले, ग्रीन टी पी ले, खालस दूध है दूध भी पिए, उसका दही भी खाएं, उसकी लस्सी भी पिए और उसकी दूध पत्ती भी पी ले, वो ठीक है, लेकिन अच्छा। अगर वो केमिकल वाला ना उससे बड़ी मैं बताऊं, पाकिस्तान में सबसे बड़ी जो चीज बीमार कर रही है ना वो चिकन नहीं है, ये गलत मिथ है, बदनाम किया हुआ है, वो अंडा नहीं है, वो सबसे बड़ी चीज केमिकल वाला दूध है, सबसे बड़ी चीज है, और चीनी है, ये दो चीजें सबसे बड़ी है, तो आपने इन्हें ही बंद करना है, बाकी हेल्दी सब सब्जियां फ्रूट सारी खाएं, आपकी हेल्दी, विटामिन ई को खास तौर पे आपने ज्यादा लेना है, उसके लिए सप्लीमेंट भी मिलते हैं वो भी ले लें, तो बाकी आप सब्जियां फ्रूट सारी खाएं, दूध पिए, कोई मसाले लेकर खालस हो, केमिकल मिनिमम करें, क्योंकि केमिकल जितने लेंगे उनका असर आएगा। लिवर को सबसे ज्यादा जो चीज खराब करती है वो फ्रक्टोज खराब करती है, और फ्रक्टोज किसके अंदर है, चीनी का एक हिस्सा ग्लूकोज होता है, एक फ्रक्टोज होता है, तो जितने आप चीनी खा रहे हो उसके अंदर फ्रक्टोज है, जो आप जितने ड्रिंक पी रहे हो खा वो जूस वाले हैं खा वो दूसरे सॉफ्ट ड्रिंक है, उनके अंदर फ्रक्टोज सिरप है, लाल शरबत में होता ही फ्रक्टोज सिरप है, चॉकलेट्स के अंदर फ्रक्टोज है, जो कुकीज है उनके अंदर फ्रक्टोज है, फ्रोजन फूड जो मीठे हैं उनके अंदर फ्रक्टोज है, जो फ्रक्टोज है ये बहुत ज्यादा सबसे ज्यादा फैटी लिवर को, यूरिक एसिड को, सब कुछ बनाने वाली चीज जो है ना ये फ्रक्टोज है, उसको आप कम करें, बाकी रोटी अनाज चावल सब मॉडरेशन में खाएं, ठीक है, ठीक हो जाएगा। मीठे की क्रेविंग फ्रूट को यूज कर सकते हैं। अच्छा सर, हम चीनी के सब्स्टिट्यूट के तौर पे ऑर्गेनिक हनी यूज कर सकते हैं? यह मैं मुख्तसर बताऊं, अल्लाह ताला ने जितनी फूड बनाई है आधी मीठी बनाई है, इसका मतलब अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए मीठा बनाया है भाई, तो मीठा क्यों बंद नहीं है भाई, आधी खुराक जो मीठी है, अच्छा लेकिन अल्लाह ताला ने मीठा जो दिया है ना, अल्लाह ताला की सुन्नत क्या है वो देखें, जो भी मीठा है उसके अंदर पानी है ढेर सारा, उसके अंदर फाइबर है, मिनरल्स है, विटामिन है, ये एंटी इंफ्लेमेटरी कंपाउंड सारे, आप सोचे ना कि हमने ज्यादा मिनरल विटामिन लेने, आप कहेंगे फ्रूट खाओ, फाइबर लेना है फ्रूट खाओ, एक शहद में थोड़ा फाइबर नहीं है, और खजूर के अंदर पानी थोड़ा कम है, इनके अलावा वो ज्यादा खा रहे हैं, इनके अलावा जितने मीठे हैं सबके अंदर कूट कूट के मिनरल्स विटामिन्स और हेल्थ वाले कंपाउंड दिए, तब मीठा खाना है,
तो हमने क्या किया, ये सब कुछ निकाल दिया, सिर्फ उसमें से चीनी निकाल दी, ना उसमें मिनरल्स, ना विटामिंस, ना एंटीऑक्सीडेंट, ना एंटी इंफ्लेमेटरी, ना फाइबर, ना पानी। तो वो हमने वो उस रूह को दाने की अल्लाह ताला ने जो मीठा बनाया, हनी खाए, खजूर हमें नेमते अदा की थी अल्लाह सुभान अल्लाह ने, और नेचर तो हमेशा हील करती है। जब इंसान ने अपनी साइंस लड़ाई उसमें से और उसमें से चीजों को एक्सट्रैक्ट करना शुरू कर दिया, तो फिर बीमारियों ने घर कर लिया हमारी बॉडी में। सर आप मुझे, आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि आप माशाल्लाह सोसाइटी में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मुझे विरसा के बारे में बताएं, क्या कॉन्सेप्ट था, क्या फ्यूचर है, क्या चीज है विरसा? ऐसे है कि जब मैं यूनिवर्सिटी में काम करता था तो यूनिवर्सिटी में होता था कि आपकी जो रिसर्च है वो लैब में होती थी, और छोटा छोटा आपके जो प्लाट है वो समझे कि ज्यादा ज्यादा आप चंद मरलों में या चंद कनाल में रिसर्च होती थी। यूनिवर्सिटी में ऐसे ही होता है, जगह इतनी होती है स्टूडेंट के साथ होती है, तो जो जिम्मेदारों के प्रॉब्लम्स है बाकी सब उनका नहीं पता चलता। तो मेरी एक ड्रीम थी, मैंने जिम्मेदारों के साथ काम शुरू किया तो, लेकिन जिम्मेदारों ने रिसर्च में प्रॉपर डेटा नहीं, वो डंडी मार देते, वो चाहते हैं हमारी खाद हमारी यील्ड ठीक हो। आपने कहा कि इधर खाद नहीं डालनी, इसमें डालनी, उन्होंने उसमें भी डाल देनी कि इसमें यील्ड ना कम आ जाए, ठीक है। आपने ये ट्रीटमेंट स्प्रे इधर करना इधर नहीं करना, उन्होंने उधर भी कर देना, तो वो प्रॉपर डेटा नहीं आता था। तो फिर मैंने आज से 4 साल पहले मुझे लगा कि मेरी इतनी सेविंग हो गई मैं घर बना सकता हूँ, लेकिन मैंने घर नहीं बनाया, मैंने फार्म खरीदा, ठीक है, एक छोटा सा, और फार्म खरीदा उसके ऊपर मैंने जाके रिसर्च करना शुरू कर दी। अच्छा। तो वो विरसा, उसको किया विरसा, चूंकि मैं एग्री टूरिज्म का था, वहां मैंने मेले ठेले भी कराए, बड़ी वॉक भी करवाई, बड़े बहुत सारी एक्टिविटी कराई एग्री टूरिज्म के हिसाब से, तो उसको मैंने विरसा का नाम दिया कि ट्रेडिशनल जो सारी हमारी कल्चरल चीजें वो रखूंगा, अभी भी मेरी ड्रीम है इंशाल्लाह मैं रखूंगा। तो वो मैंने वो बनाया और वहां मैंने फिर रिसर्च शुरू की, मुरिंगा लगाया, बाकी किनवा चिया सारी मैं फूल लगाता हूँ, फिर मैंने प्रोसेसिंग यूरो लगाया लोगों, फिर मैंने जब एकड़ों के ऊपर रिसर्च की तो मैंने कहा ओहो मैं क्या गलतियां कर रहा था, मैं जो छोटी छोटी जगह पे कर रहा था वहां तो ये या पूरी नहीं आ रही, जहां वहां मैंने प्लांट प्रोडक्शन करी वहां आती नहीं। फिर मुझे एक्सपोजर हुआ उसका, फिर मैं लोगों को दिखाना शुरू किया, लोगों को विजिट करना शुरू कर दिया, मैं दिखा रहा हूँ, जब उसकी प्रोड्यूस आनी, जाहिर प्रोड्यूस फिर बेचनी भी थी, प्रोड्यूस फिर बिकना भी शुरू हो गई, उसका नाम विरसा विरसा कंपनी बन गई। तो फिर आहिस्ता 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 डेवलप होते होते मैं रिटायर भी हो गया हूँ, मेरी फैमिली उसको चला रही है। अब वो एक ऐसे मॉडल एक स्ट्रक्चर है, रिसर्च बेस, आप रिसर्च भी कर रहे हैं, आप लोगों को दिखा भी रहे हैं, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी डेमोंस्ट्रेट कर रहे हैं, और उसकी बेस के ऊपर आप प्रोडक्ट्स मार्केट भी कर रहे हैं, ई कॉमर्स कर रहे हैं, ऑनलाइन भी सेल कर रहे हैं, दुकानों पर भी हो रहा है, तो वो एक मॉडल है पूरा, तो उसमें बाकी लोग भी बहुत सारे फॉलो कर रहे हैं। मैं सबका एम्बेसडर हूँ, मैं किसी को डिस्करेज नहीं किया, मैं किसी कंपनी को कभी बल्कि मैंने 10 साल सब कंपनियों को प्रमोट किया है, लेकिन अब मैं रिटायरमेंट के बाद सिर्फ विरसा को प्रमोट कर रहा हूँ, क्योंकि अब जाहिर है राइट बनता है। बाकी चीज करता क्या क्या प्रोडक्ट आपके पास है, और उसको बाय करने के लिए या उसको एक्सप्लोर करने के लिए आपकी कोई वेबसाइट है? जी जी बिल्कुल है जी, virsapure.com virsapure.com और ये वहां जाके आप जाएं सब इस वेबसाइट पे, तो वहां पूरा सेटअप है। मुरिंगा लीफ पाउडर है, मुरिंगा के कैप्सूल है लीफ पाउडर के, मुरिंगा ड्राइड लीव्स है, मुरिंगा की चाय है, किनवा है, चिया है, स्टीवी है, उसके अलावा फिर मल्टीग्रेन फ्लावर एक बहुत बड़ी सक्सेस है, क्योंकि जितना वॉल्यूम है ना विरसा का उसमें से मोर देन 50% जो उनकी सेल है वो मल्टीग्रेन आटे की है, तो जो हेल्दी है। बजाय लोगों को बताया कि उसमें कंसेप्ट क्या था कि लोगों को मुर्गा किनवा लोग नहीं खाते थे, इनकी रोटी में डाल दो, रोटी तो सबने खानी, इनकी रोटी ठीक कर दो, कि पाकिस्तानियों ने रोटी खानी है तो ऐसा काम करो कि रोटी ठीक कर दो। तो फिर मैंने कहा कि बजाय कि आप मैदे वाली रोटी खा रहे हैं रोटी अच्छी कर ले, वो मल्टीग्रेन फ्लावर आ गया, उसके बाद फिर ग्लूटेन, चूंकि मैं ग्लूटेन सेंसिटिव हूं खुद, तो ग्लूटेन फ्लोर आ गया, तो वो ग्लूटेन फ्री फ्लोर आ गया, तो इस तरह फिर हनी भी आ गया, गुड़ भी आ गया, इस तरह अचार भी आ गए, अब पाइपलाइन में और भी चीजें आ रही हैं, तो वो चीजें हैं वो सारी हेल्दी फूड है। विरसा कुछ खुद ग्रो करता है, कुछ चीजें प्रोक्योर करता है, लेकिन उसको सारी मेरी मशवरत होती है, लेकिन उसकी मैनेजमेंट जो है ना वो सारी कंपनी इंडिपेंडेंट मैनेजमेंट है जो उसको सारी चलाती है। थैंक यू सो मच सर,
अल्लाह सुब्हान तआला आपको हमेशा अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, और आप जिस कार्य खैर को लेके चल रहे हैं, जिस सोसाइटी में आपने इतनी अवेयरनेस क्रिएट की है, इंशाल्लाह हमारी आने वाली तमाम नस्लें इससे फैज लेती रहें और इसका अजर आपको मिलेगा। जज़ाकअल्लाह, आपने अपने कीमती वक्त से मुझे टाइम दिया। इंशाल्लाह होपफुली हम लोग दोबारा इस पर सेशन करेंगे। आज मेरा ट्रायल सेशन था कि हम लोग ड्यूल लाइफ किस तरह से कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, पाकिस्तान से और यहाँ दुबई से। मैं दुबई से हूँ। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जजाकअल्लाह खैर। इंशाल्लाह दोबारा भी लाइव करेंगे। अल्लाह हाफिज, शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। और हम स्पेसिफिक टॉपिक्स पे करेंगे बात। इंशाल्लाह 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 जरूर। अल्लाह हाफिज सर, फी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफिज।